मेरा दिल बदल दे, मेरा दिल बदल दे, मेरा दिल बदल दे। साहब ने सवाल किया है कि मोबाइल में कुरान करीम पढ़ना और बग़ैर वजू उसको हाथ लगाना या लेट कर पढ़ना कैसा है। तो मोबाइल में कुरान करीम पढ़ना बिल्कुल जायज़ है, इसमें कोई हरज की बात नहीं है। जहाँ तक बात है कि बग़ैर वजू उस स्क्रीन को हाथ लगाना ये ठीक है या ठीक नहीं है, तो इसके अंदर उलमा के इख्तिलाफ़ है। बाज़ उलमा इसको वही दर्जा देते हैं जो मुसहफ़ का होता है, और बाज़ उलमा फरमाते हैं कि नहीं, स्क्रीन पर जो चीज़ें नज़र आती हैं वो हकीकत में मुसहफ़ नहीं है, हकीकत में कुरान नहीं है, लिहाजा इसका वो हुक्म नहीं होगा जो मुसहफ़ का होगा। तो ऐसी सूरत में उन उलमा के नज़दीक बग़ैर वज़ू के भी कुरान करीम अगर आप मोबाइल के अंदर पढ़ रहे हैं और स्क्रीन पर हाथ लगा रहे हैं, तो स्क्रीन पर बग़ैर वज़ू के भी हाथ लगाना जायज़ है। अलबत्ता बेहतर यही है कि इंसान कोशिश ये करे कि बावजू होकर पढ़े, तो उसमें और अजर है और ज़्यादा सवाब है। लेकिन बहरहाल इसका वो हुक्म नहीं होगा जो मुसहफ का है कि उसमें अगर आप बग़ैर वज़ू के हाथ लगाते हैं तो वो नाजायज़ है और गुनाह है। तो ये नाजायज़ और गुनाह तो नहीं होगा, लेकिन इसको खिलाफ औला कहा जा सकता है, ये कहा जा सकता है कि ये मुनासिब नहीं है, ये ज़्यादा बेहतर तरीक़ा नहीं है। इसी तरह लेट कर मोबाइल में कुरान करीम पढ़ना, तो इसकी भी शरण इजाज़त है, लेट कर भी पढ़ा जा सकता है। बस जितना इंसान कोशिश कर सके कि अहतमाम करे, जितना ज़्यादा अहतमाम होगा अल्लाह ताला उतना ज़्यादा अजर अता फरमाएंगे। बैठ कर भी पढ़ा जा सकता है, खड़े होकर भी पढ़ा जा सकता है, लेट कर भी पढ़ा जा सकता है, किसी भी हालत में उसको इंसान पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है। बाज़ लोगों में ये बात मशहूर है कि मोबाइल में कुरान करीम पढ़ने से उसका सवाब नहीं मिलता, तो ये बात ठीक नहीं है। कुरान करीम जब आप पढ़ रहे हैं तो कुरान करीम पढ़ने का सवाब आपको मिलेगा, मुसहफ़ से पढ़ेंगे कुरान करीम तब भी सवाब मिलेगा, और अगर मोबाइल से कुरान करीम पढ़ेंगे तब भी सवाब मिलेगा। तो इसलिए ये बात करना कि मोबाइल में कुरान करीम पढ़ने से सवाब नहीं मिलता, ये बात ठीक नहीं है। मेरा दिल बदल दे, मेरा दिल बदल दे, मेरा दिल बदल दे, मेरा दिल बदल दे।